हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत टाइम से मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि जो सबसे कॉमन चीज़ है जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जैसे कि सर्दी से हम गर्मी में जा रहे हैं या गर्मी से हम जस्ट सर्दी में जा रहे हैं, तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि हम उस पर ध्यान दें, हम उस पर फोकस करें। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जैसे ही टेम्परेचर अभी आपका जो चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी कुछ दिन से अपने यहाँ पर टेम्परेचर जो था थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये देखने को मिलेगी, आपकी पत्तियों का कलर, जो पत्तियों का कलर है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होगा, और जो कलर के साथ साथ जो पत्तियों में जो एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, आपको ये दिखा दूँ मैं, जैसे कि ये पत्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पत्तियों का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा या ऐसा बन रहा है कि जिससे लगे कि पौधे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन चीज़ें आएंगी आपके साथ। ये देखिए, मेरा एक 4 इंच में लगा हुआ गुलाब है और ये सॉयल मीडियम है, ये मेरा वही एक्सपेरिमेंटल सॉयल मीडिया है जिसमें आप रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे कि बेसल के साथ जो है, और ये प्लांट की एज भी बहुत कम है, अभी नियर अबाउट अभी 3 मंथ हुए होंगे ग्राफ्टिंग के बाद से, मैं बता रहा हूँ। ग्राफ्टिंग करने के बाद से ये जब निकला है हल्का फुल्का, तब से ये लगभग 3 महीने हो गए हैं, और इस मीडिया में डाले हुए लगभग लगभग अभी 20 से 25 दिन हो गए। तो ये ग्रोथ आप देख रहे हैं, तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ दिखेगा कि हाँ ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो न्यू शूट्स है, यहाँ पे ये शूट्स आपकी निकली हुई है, ये थोड़ी सी पत्तियों में कुछ जल गया है या कोई ओवर फर्टिलाइजेशन हो गई है, इस टाइप से चीज़ें जो है हमें दिखेंगी। लेकिन ये एक्चुअली में सिर्फ 2-3 कारणों से होता है। पहली चीज़ है कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, आपके पौधे में माइट्स की प्रॉब्लम, थ्रिप्स की प्रॉब्लम, ये एक्टिव हो जाएगी। तो हमें इस टाइम जो सबसे पहली चीज़ है प्रिकॉशन लेना है, वो ये है कि पौधे में मेडिसिन का स्प्रे ज़रूर करें, जैसे ओबेरॉन है आपके पास, एक्सोडस है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़। तो जैसे आपके पास ओबेरॉन है, एक्सोडस है, या फिर कोई भी माइट्स की ऐसी दवा जो आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो उसका आप रेगुलर स्प्रे करें। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आज आपने दिया, 2 दिन बाद फिर दे दिया, 3 दिन बाद फिर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि कम से कम 5-6 दिन का गैप होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके पौधे में एक बीमारी पहले से आ रही है, दूसरी बीमारी ये आ जाएगी कि आपकी पत्तियाँ लगेंगी जलने। फिर आप कहोगे कि सर ने यही बताई थी मेडिसिन, लेकिन मैंने दिया और पत्तियाँ मेरी सारी जल गई, यानी मेरे बताने में कहीं ना कहीं कमी हो गई या कुछ ऐसी चीज़ हो गई। तो देखिए, कभी कभी तरीके हमें भी जो है अपने आप में रेक्टिफाई करने होते हैं, कि जैसे अगर आप मेरे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो आज भी मेडिसिन देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैंने 2 दिन पहले जो है एक माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे किया था, और 2 दिन भी नहीं हुए थे, यूँ समझिए कि कल उन्होंने माइक्रोन्यूट्रेंट दिया और आज बिना पूछे उन्होंने एक्सोडस का स्प्रे कर दिया, तो इतना, और तीसरे दिन उनके पौधे में ये देखने को मिला कि उनकी पत्तियाँ एज से, जैसे ये पत्तियों का एज है, वो कहीं ना कहीं जल गई, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ का स्ट्रेस जनरेट हो गया हो। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान देनी है कि हमारे पौधे में इस तरह से हम ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। दवाई देने में कम से कम 5 दिन का गैप रखें, इवनिंग में मेडिसिन स्प्रे करें, मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग में आप जो है फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बना के रखें। दूसरी जो सबसे खास चीज़ है कि इस टाइम में आपको पत्तियों का कलर जो है बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाता है, तो उस दौरान भी आपको जो है ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि ये हमेशा कोई माइट्स का नहीं हो सकता है, हो सकता है माइक्रो की डिफिशियंसी क्रिएट हो रही हो। तो हमेशा एक अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट का चुनाव करिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट रेगुलर स्प्रे करिए। रेगुलर का मतलब यही है कि 10 दिन में 8 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर होना चाहिए आपके पौधों पे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा, आप खुद एनालाइज करिएगा, आपका पौधा जब सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद जो है जैसे ही सर्दियों में प्रवेश करता, तब हल्की सी जो है पत्तियों का कलर डिफरेंस होना या बहुत सारी चेंजेस आना लाजमी है। फिर उसके बाद जैसे ही सर्दियों से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तब आपके पौधे में डिफरेंस आखिर आता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो ये इस पर ज़रूर आप एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी सबसे जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि जब भी आपका पौधा इस मौसम में प्रवेश करता है, तो नीचे से जो है
इसके ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे से ये जो है जंगली पौधे बहुत निकलते हैं। अब हम इस समय अगर उसको हटाएंगे नहीं तो होगा क्या कि आपका पौधा धीरे धीरे क्या होगा कि स्लो हो जाएगा और जंगली वाला पौधा बहुत फास्ट ग्रोथ करने लगेगा। तो हमें इसका भी ध्यान देना है, उसको हटाते रहना है। हम बहुत टाइम ऐसा करते हैं कि हमें ये लगता है कि वो पौधा मेरा जो है हेल्दी है और वो उस वजह से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, वो सीजन होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। बाकी पौधे पे पानी अच्छे से स्प्रे करिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पौधे को गैपिंग मेंटेन रखने के लिए बोला था कि कम से कम गैपिंग में पौधे को रखिए ताकि आपका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे, और फंगीसाइड का प्रॉपर स्प्रे करिए, साफ़ सफाई रखिए पौधों में। तो फ्रेंड्स, यही बतानी थी चीज़ें आपको, क्योंकि अभी मेरे पौधे में भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं पत्तियों में ये आ रहा है, इसका मतलब है कि माइट्स एक्टिव हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।